नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। इनेलो छात्र नेता विनोद माजू की हत्या के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी गौरव उर्फ गौरव बिरडाना और गांव किरडवान निवासी आरोपी सुनील किरार को गिरफ्तार किया है। आरोपियों को आज कोर्ट में पेश किया गया और आरोपियों के लिए रिमांड की भी मांग की गई। डीएसपी अजय सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि प्राथमिक तौर पर पुलिस पूछताछ में आरोपियों से पैसे लेकर के लेन देन और विवाद में हत्या किए जाने की बात कबूली है। 22 जनवरी को विनीत अपने दोस्त गौरव के साथ उसे लेकर के गया था और 23 जनवरी को गौरव ने आदमपुर स्थित अपने मकान पर उसे ले जा करके सुनील व अन्य के साथ मिलकर के विनीत की चारपाई पर बांध करके गला घोटकर हत्या कर दी, जिसके बाद शव को नहर में फेंक दिया गया। पलपल फतेहाबाद से राजेश भांबू की खास रिपोर्ट। ये दिनांक 22 जनवरी को ये एक लड़का है विनीत कुमार, जो अपने खजूरी गांव से अपने दोस्तों के साथ चला गया था, जो वापिस न आने पर उसके फादर के द्वारा एक मुकदमा गुमशुदगी वाले दर्ज कराया था। दिनांक 18 फरवरी को पता चला कि उसका जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में पाकिस्तान में एक डेड बॉडी नहर में तैरती मिली है, जिस पर उनके परिवार के द्वारा उसकी आइडेंटिफिकेशन की गई थी और उनके परिवार वालों के बयान पर इसमें मुकदमा 302-201 IPC ईजाद की गई है। तो क्या आरोप लगाए हैं सर इसमें, किस लिए इसका मर्डर किया है? ये उनके परिवार वालों, तो जो कंप्लेंट है हमारे पास उनके परिवार वालों के बयान के अनुसार, तो ये उसके अवैध संबंधों के शक में या पैसों के लेन देन का मैटर रहा है इनका, और ये 23 में भी चल रही है बातें। सर कहाँ से मिली थी डेड बॉडी? डेड बॉडी नोक थाना है कोई जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ उसके एरिया से नहर से मिली है राजकरण से। गौरव है जो किडाना गांव का रहने वाला है और एक सुनील है जो किडाना गांव रहने वाला है, उनको अरेस्ट कर। प्रवीण का भी कोई रोल नजर आया जिस तरह से? अभी तफ्तीश चल रही है, अभी वो देख रहे हैं उनकी क्या क्या रोल है। तो पूछताछ में बताया जी कुछ गौरव ने भी किस प्रकार से मारा है जी, क्या कुछ? उसको उन्होंने गला घोट कर मारा है चारपाई पे और अपने साथियों के साथ मिल मिलकर उसको नदी में डाल दिया। नहीं, आप सिलसिलेवार बताना चाहेंगे क्या, अभी कैसे लेके गए थे, कहां से लेके गए थे, कहां जाके? नहीं, उसके घर से ले गए थे, जैसे खजूरी गांव से 22 तारीख को ले गए थे। इन्होंने मारा कहां? 22 तारीख को ले गए थे और फिर उन्होंने अपने जो आदमपुर है इनका मकान है गौरव का, वहाँ इसका इसकी हत्या की है। आदमपुर में इसका मकान है? इसने कोई किराए पे कमरा ले रखा है, कोई इसका कमरा है वहाँ पे। अच्छा, आदमपुर में। हाँ, अच्छा जी। तो उसी दिन 22 को ही मार दिया? हाँ, 22 को ही मार दिया, फिर उन्होंने डेड बॉडी इनकी 23 तारीख की रात को डाल दिया। तो नशा वगैरह किया था उन्होंने आपस में या फिर? हाँ, ये कह रहे नशे में इन्होंने नशा भी किया है, उसकी सारी पहलों की जांच करी। तो दारू पिलाई थी या सर किसी चीज और चीज का नशा किया? अभी ये भी देख रहे हैं क्या क्या किया था। तो कुल कितने लोगों को नामजद किया गया सर इसमें अगर बात की जाए तो? अभी तो इसमें उसमें जो उनके तरफ से तो जो आरोपी हैं, जो कंप्लेंट पक्ष के हैं, उस वक्त में तो 6-7 आरोपी हैं टोटल, लेकिन अभी तफ्तीश चल रही है फाइनल में। गला दबा के मारा है गौरव और सुनील ने? नहीं, अभी तक तो जो तफ्तीश है उसके अनुसार गौरव ने गला घोटा है और ये जो उसके साथ उसके बांधने में उसको नहर में डुबोने में भी शामिल है। डिटेल अभी इन्वेस्टिगेशन। नहीं, क्या क्या गौरव अकेला इतना सक्षम है कि उसका विनीत का? नहीं, वो उसको गला दबा दिया, उसको चारपाई पर बंधा हुआ था। अच्छा, पहले इन्होंने चारपाई पर बांध रखा था, इन्होंने बांध के बांधने बाद जब वो चले गए तो उसने उनकी कुछ होगी तो उसको गला घोटा। मुख्य आरोपी कौन है सर इसके अंदर, मुख्य किसका रोल सामने नजर आया? मुख्य अभी तक गौरव है और ये साथी सबका ही है मेन। नहीं, कितने लाख का लेन देन है जी, किस तरह का लेन देन? अभी देखते हैं, 23 में चलती है वो तो बातें, अभी लेन देन का मैटर है सर। नहीं, क्या कितना लेन देन है, आप आज क्या चीज बताने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस है? ये इसमें जो मेन है, ये जो एक्टिविटीज, ये अरेस्ट हो गया है, ये छपा हुआ है जी। हाँ, फिर यही है, फिर ये जो बातें है। नहीं, नहीं, लेन देन किस बात का लेन देन है? इनके आपस में पहले कोई लेन देन चल रहा है और ये अभी तो डिटेल इन्वेस्टिगेशन चल रही है। नहीं, आप रिमांड किस चीज का ले रहे हो? रिमांड इसमें तो जहाँ पे डाला है उसको उसकी निशानदेही करानी है और जो कार प्रयोग की गई थी वो भी है और जो केबल है या इससे मुकदमे जुड़ी अन्य जानकारी भी प्राप्त करनी। नहीं, कार तो आपने रिकवर कर रखी है ना? नहीं, अभी नहीं कार रिकवर की, अभी चल रही है वो, देखते हैं उसमें क्या क्या है इन्वेस्टिगेशन में भी, उससे जो और है मर्डर में जो चीजें सामने आई वो। जैसे इसमें गौरव के भाई का भाभी का भी मुकदमा दर्ज है, क्या उनका भी कोई रोल मिला है? अभी देखते हैं, तफ्तीश में चलेगा, अभी तो इन्वेस्टिगेशन जारी है।
गो